began the Buddha introduction, total actions or longitudes or latitudes कितनी है, north से south तक length और इसकी east से लेकर के west तक है ना, इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी तल रेखा है ना, समुद्री तल रेखा की लंबाई कितनी है, स्थलीय तल रेखा की लंबाई कितनी है और आकार में कितना छोटा और बड़ा है। कल मैंने जो अपनी लास्ट क्लास में थी उसमें मैंने बताया था आपको उन सबके राज्य और राजधानियाँ आपको कैपिटल लिखने होगी, क्योंकि अपना ए पार्ट जो है वो पूरा पूरा इंडियन जोग्राफी है, इंडियन जोग्राफी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये सबसे पहले आता है कि भारत की जो अक्षांश और देशांतर है ना, तो ये साउथ से देखो 8 डिग्री 4 मिनट एक सिग्नल ड्रॉप होता है, मतलब ये होता है डिग्री और एक लाइन ऐसे फॉर्मा में होती है उसको कहते हैं मिनट और डबल जो होती है उसको कहते हैं सेकेंड। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट तक भारत की लोकेशन स्थित है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्व में पश्चिम में 68 डिग्री 60 मिनट से लेकर के पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। ये भारत की लोकेशन है कि भारत कितने लैटिट्यूड्स और कितने लोंगिट्यूड्स पर स्थित है। क्लियर। अब आता है भारत की लंबाई और चौड़ाई, नीचे कुमारी अंतिम से लेकर के जम्मू कश्मीर तक भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर और गुजरात के तट से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये देखो मैंने लाइन खींच के पूरा बताया हुआ है, यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको लिखनी पड़ेगी कॉपी पेन के, भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अब आती है भारत की तटीय सीमा, ना ये रहता है समुद्री एरिया जो है कि लगभग 6100 किलोमीटर है, इसमें मैं नारीमानी को बात की समूह और लक्षद्वीप को ऐड नहीं किया है, इसी भारत की दक्षिणी सीमा को मैंने ऐड किया हुआ है। फिर आता है स्थलीय सीमा यानी टोटल उसकी आउटलाइन 15200 किलोमीटर है, पूरा ये स्थलीय सीमा कितनी आ रही है 15200 किलोमीटर। अब भारत जापान से 9 गुना बड़ा है और इंग्लैंड से 14 गुना बड़ा है, भारत इतना बड़ा है सभी से देखा जाए तो क्षेत्रफल में, लेकिन फिर भी भारत का अगर क्षेत्रफल किया कहा जाए, ये भारत का क्षेत्रफल है 34,342,239 किलोमीटर, ठीक है 34,239 ये भारत का क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का हमेशा सेम ही रहता है, क्या गड़बड़ क्या सकता है। समुद्री तट रेखा की ये जो पहले जो हिस्सा था ये अधिक चौड़ा था, धीरे धीरे समुद्री तट फैलता सिकुड़ता जा रहा है, समुद्र फैलता जा रहा है, इस कारण से इस लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाता है, पर्वतों की लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाता है। मैदान और पर्वतीय क्षेत्रों में कई पर्वत कट कट के मैदानी हिस्सों में गड़बड़ हो रहे हैं तो उसमें अंतर आ जाता है, लेकिन क्षेत्रफल 34,239 किलोमीटर है। क्लियर। अब आता है भारत को 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये यहाँ से राजस्थान के जोधपुर से होती हुई ये भारत की कर्क रेखा है, जो कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री है ना, ये कर्क रेखा भारत के मध्य में से निकलती है और ये भारत को 2 भागों में बांट रही है, उत्तरी नॉर्थ और साउथ। साउथ वाला जो है वो उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि हमेशा ऐसा गर्म रहता है, मैंने बताया था उस समय कि भाई ये कौन से जोन में आता है ना, और भारत का पूरा ग्लोब का बताया था मैंने कितने जोन में बांटा गया है, कहाँ पर शीत कटिबंध है, कहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया आता है, ठीक है कहाँ पर ये पोलर एरिया आता है, ये मैंने सारे बताए थे उसी के अंदर बताया वापस कि भारत का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये शीतोष्ण कटिबंध है, इसका मतलब ये हमेशा लगभग है ना, जैसे जैसे नॉर्थ का हिस्से की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे ठंडा होता रहता है और यहाँ से गर्म हिस्सा शुरू हो जाता है, तो ये वाला उष्ण कटिबंध में आता है और नॉर्थ वाला जो
से निकल रही है, पीला भारत के तहत नमक स्थान से निकल रही है, जिसके कारण ये हमारा भारत का एक प्रामाणिक समय है। ठीक है, वैसे टोटल विश्व में कितने प्रामाणिक समय है? 24। सबसे ज्यादा कहाँ का है समय प्रामाणिक? 11 है सबसे ज्यादा, और कोई किसका है? रशिया का। रूस का 11 टाइम जोन है, कितने टाइम जोन है रशिया में? 11। और जब भी भारत में एक ही घड़ी है पूरे भारत की, चाहे आप पूरब में जाओ चाहे आप पश्चिम में आओ, सूर्य उदय और अस्त में जरूर अंतर होगा, लेकिन हमारे पूरे भारत की घड़ी एक है ना। यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है तो 2 घंटे पहले सूर्य अस्त होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ गुजरात तक और जैसलमेर तक पहुँचते पहुँचते 2 घंटे देरी से उदय होता है, 2 घंटे देरी से अस्त होता है। भारत का टाइम जोन है जो आपको प्रैक्टिकल के अंदर बताया गया है, जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी। फिर आता है उत्तरी भारत कटिबंध और दक्षिणी भारत को शीत कटिबंध में बता दिया। ठीक है, ये वाला शीत उष्ण है गर्म है, इसलिए यहाँ पर और समुद्री कंडीशन होने के कारण यहाँ पर ज्यादा मौसम में अंतर नहीं आता। लगभग टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री से 25-35 डिग्री रहता है, जबकि नॉर्थ वाले में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलता है। अब आता है अपनी तट रेखा। देखो ये जो कोलकाता के पास वाला जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। ये कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा नदी के डेल्टा तक फैला हुआ है, और सबसे बड़ी यहाँ कोलकाता का बंदरगाह है, लेकिन कोलकाता का बंदरगाह कम टटाफटा होने के कारण इसके बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नंदिया बंदरगाह बनाया गया है। बहुत क्लियर। फिर नीचे आता है कोरोमंडल तट, ये जहाँ खत्म होता है कृष्णा नदी का, यहाँ से शुरू हो जाता है कोरोमंडल तट कुमारियंत्रिक तट। तो ये कोरोमंडल तट कृष्णा नदी के डेल्टा से कुमारियंत्रिक तक फैला हुआ है। यहाँ पर एक तीर्थ स्थान आता है जिसका नाम है रामेश्वरम। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ मालाबार तट, सबसे नीचे वाला हिस्सा ये गोवा से लेकर के कुमारियंत्रिक तक फैला हुआ है। फिर मालाबार तट के ऊपर कोंकण का तट है, ये गोवा से लेकर के सूरत तक फैला हुआ है। कोंकण के ऊपर दे रखा है सौराष्ट्र तट, ये सूरत से लेकर के कच्छ की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये आपको इस तीन तट के बारे में मैप बना करके आपको इसमें शो करना होगा। सबसे ऊपर वाला गुजरात के पास सौराष्ट्र का तट, फिर कोंकण का तट, फिर मालाबार तट, फिर ऊपर यहाँ जाता है उत्तरी सरकार तट, और फिर आता है कोरोमंडल तट। ये भारत की, अब आता है भारत में विविधता में एकता, के भारत में विविधता में एकता वाला देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे जाति वाइज देखो, धर्म वाइज देखो, भाषा वाइज देखो, बहुत कुछ भिन्नता होते हुए भी काफी एकता समानता देखने को मिलती है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा भारत में विविधता में एकता। थैंक यू।